वेट लॉस काफी रैपिडली हो रहा है। थैंक गॉड मेरा कोई मीटिंग नहीं है। हाय एवरीवन, व्हाट्स अप? इट इज 31st of August एंड इट इज गणेश पूजा टुडे। सुबह के 11 बज चुके हैं एंड हमारे सोसाइटी में आज एक फंक्शन हो रहा है नीचे, तो पापा बहुत सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके लिए। सो आई एम गोना गेट रेडी राइट नाउ। आई हैव ऑल माय मेकअप लाइंग ओवर हियर। एंड पता है, मुझे पता भी नहीं था कि आज मेरा छुट्टी है। कल हमारे मीटिंग में वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड मेरे बॉस ने बोला कि कल तो नहीं हो पाएगा, एंड आई वाज लाइक क्या कल छुट्टी है? एंड आई गॉट सो एक्साइटेड। ऐसे जब तुम्हें पता नहीं होता कि देर इज़ अ हॉलीडे एंड तुम्हारा हॉलीडे होता है ऑफिस में, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या बताऊँ मैं। सो आई एम गोना गेट रेडी राइट नाउ। आई एम रिपीटिंग माई बर्थडे आउटफिट फॉर गणेश पूजा दिस टाइम एंड आई एम गोना मॉइस्चराइज। इवन आई हैव नॉट येट मॉइस्चराइज, मैंने जस्ट शार लिया एंड मैं बाहर आई एंड मैं गेट रेडी विथ मी शॉर्ट्स पे डालूंगी, तो ज़रूर चेक करना वो। आई हैड सम डर्माको प्रोडक्ट्स लाइंग ओवर हियर जिसको मैंने ट्राई करना था, बट मैं भूल गई इसको ट्राई करना। एनीवेज वो कभी बाद में कर लूँगी। तो मेरा ना कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरा टी जोन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है एंड बाकी फेस मेरा यू नो ड्राई रहता है। देन आई एम गोना यूज़ दिस सनस्क्रीन। आजकल मैं बहुत जेनरसली सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं पहले ऐसे नहीं थी, लाइक मैं सनस्क्रीन हमेशा स्किप ही कर लेती थी, बट आजकल आई लव टू लेयर माई सनस्क्रीन। आई एम गोना गेट रेडी, डू माई मेकअप, शूट द वीडियो एंड आई विल बी राइट बैक। So guys, here is my final look. I'm all ready. I'm gonna go down and check ki puja shuru hua hai bhi ki nahi, because bahut late ho gaya hai and it's about 12 right now and abhi shayad tak puja shuru ho jana chahiye. Itna late to nahi hota hai, main itni late hu, but yeah, let's go. इतना सारा पसारा पहले साफ करना पड़ेगा। माँ से हाय। लुकिंग प्रिटी, लेट्स गो। Guys, so it is 1:30 right now. Lunch का भी अरेंजमेंट सब नीचे ही करा हुआ है। अभी जस्ट पुष्पांजलि खत्म हुआ, पुष्पांजलि हम नहीं दे पाए बिकॉज एज यू ऑल नो, इफ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट। सोसाइटी के सारे मेंबर्स आए हुए थे, ज्यादा बड़ा हमारा सोसाइटी नहीं है, 16 मेंबर्स का है, सो उनके फैमिली मेंबर्स सबको ही आए थे। बहुत दिनों के बाद ऐसे कुछ गेट टुगेदर हुआ था, अच्छा लगा। थोड़ा सा पानी पीने आई हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। हेलो, सो इट्स अबाउट 2:30 राइट नाउ। अभी बाकी के सब लोग खाना खा रहे हैं। इस बार बुफे सिस्टम नहीं हुआ था, नीचे ही हम बैठ के खाए। नो डाउट बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट यू नो वॉट, मुझे इस बार के फीवर या वायरल व्हाटएवर इट वाज, अभी तक उसका इफेक्ट मेरे अंदर है। आई मीन सम और दी अदर वे आई फील वीक एंड जितना एनर्जी होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। एंड मैं खाते वक्त भी मुझे कैसे सेंसेशन हो रहा था एंड इट वाज लाइक मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ खाना एंड लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया है मेरा एंड वेट भी काफ़ी लूज़ करा है मैंने। और एक बात मुझे शेयर करना था, एक मिनट में ठीक से बैठ जाती हूँ। लास्ट एक दो महीने से आई एम लाइक ऑब्जर्विंग माय बॉडी एंड मुझे लग रहा है कि वेट लॉस काफ़ी रैपिडली हो रहा है एंड बिना कुछ किए हो रहा है। मतलब मेरे मम्मी डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड कभी कभी मैं भी उनका डाइट, यू नो, अगर घर में सादा खाना बनता है, मतलब ऑयल बहुत कम यूज़ होता है, तो वैसा सब खाना मैं भी कंज्यूम कर रही थी एंड आई कुड सी द डिफरेंस। लॉकडाउन में लास्ट 2 ईयर्स में मैंने जितना भी वेट गेन हो गया था मेरा, बिकॉज हम घर में पड़े रहते थे एंड कितना सारा हम जंक खाना मैं ऑर्डर कर लेती थी। आफ्टर लॉकडाउन एंडेड मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी, तो
उसके लिए मेरा वेट गेन काफी ज्यादा हो गया था, 5 किलोज या 4 किलो मेरा इंक्रीज हो गया था. एंड ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मेरा वेट गेन हो रहा है. कॉलेज से अभी तक आई एम लाइक द सेम, मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस मेरे में नहीं आते हैं. बट इस बार का गेन पता चल रहा था कि मैंने वेट गेन किया है. बट आई डोंट केयर एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर वेट गेन हो या लूज हो. हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगा. बट नॉर्मल मुझे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. 1 kg मैं गेन कर रही हूँ, 1 kg मैं लूज़ कर रही हूँ, इसमें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई शुड फील फिट माई सेल्फ. एंड अभी का सिचुएशन ऐसा है कि मुझे लग रहा है मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है. लाइक 5 kilos आई हैव रिड्यूस्ड इन लास्ट 2-3 months. एंड कुछ ना करके, सिर्फ डाइट, मतलब डाइट भी नहीं, अच्छा सादा खाना खा के, बाहर का जंक फूड अवॉइड करके, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करके. आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट कभी ऐसे मोहितो या ऐसा कोई ड्रिंक पिया होगा, या फिर मैंने कुछ कोका कोला कोक या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं. चॉकलेट्स नहीं खाया, आइसक्रीम्स पता नहीं कब खाया था. सो दैट्स द अपडेट अबाउट माई वेट. एंड आई एम गोना एडिट द शॉर्ट, आई हैव टू पोस्ट इट टुडे इटसेल्फ, तो वो करूंगी. इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपडेट करूंगी. एंड यस, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज डू इट. इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी इफ यू गो अहेड एंड फॉलो. हियर इज द आईडी. लेटर दैट सेम इवनिंग. Right, you guys, it is about 8 o'clock right now, and अभी just मैं प्राणायाम करके उठी हूँ. And oh my god, I don't know what happened. मैं लंच करने के बाद मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था तब, तो मैंने मम्मी को बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. आई वॉज जस्ट ट्रांसफरिंग माई फुटेज फ़ोन पे ताकि मैं एडिट कर सकूँ शॉर्ट्स एंड पोस्ट कर सकूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया. एंड अभी मैं करूँगी वो सब. 5 तक मैं ऐसे लेटी रही, एंड 5 to 7:30 आई जस्ट स्लेप्ट लाइक एनीथिंग. एंड आई वोक अप विद अ वेरी बैड सीवियर हेडेक, एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था. तो दैट्स इट. एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर लेती हूँ, बेटर फील होगा. यस, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, बट हेडेक अभी तक हो रहा है पीछे. पता नहीं ये कैसा नया सा है. आई थिंक इट्स हाई टाइम आई शुड गेट माई ब्लड टेस्ट डन, बिकॉज बहुत डिले कर रही हूँ मैं. एंड ब्लड टेस्ट एंड ऑल, मुझे पता है, सच्ची बताओ तो मुझे डॉक्टर्स, ब्लड टेस्ट, इंजेक्शंस, ये सब से थोड़ा सा दूर रहती हूँ मैं हमेशा. एंड नेचुरली कैसे उसको सॉल्व कर सकती हूँ वो सोचती हूँ पहले. बट अभी आई थिंक आई हैव टू गेट माई ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग डन, चेकअप डन एटलीस्ट, कि हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक पीछे से क्यों हो रहा है. सो या दैट्स द थिंग. आई एम गोना कैच यू गाइज आफ्टर सम टाइम. एंड यस, माई मेकअप इज़ ऑन एंड आई स्लेप्ट लाइक दिस. अच्छे से फेस वॉश करूँगी, बहुत ज़्यादा दिख रहा है मम्मा. कुछ नहीं होगा, नेचुरली हम ठीक होंगे. पेट में पट्टी लगाना पड़ेगा. ठीक है, चलो. The next day. हेलो, सो इट्स अबाउट 5:30 राइट नाउ एंड इट्स अ फ्राइडे. तो मेरा सुबह से मीटिंग्स एंड ऑल चल रहा था. आई हैड जस्ट फिनिश अ 1 long hour मीटिंग, पूरा चल रहा था, वो सब ख़त्म हुआ. अभी आई डोंट हैव एनी मीटिंग्स नाउ. आज फ्राइडे नाइट है, थैंक गॉड मेरा कोई मीटिंग नहीं है. बहुत अच्छा लगता है जब फ्राइडे के नाइट में कुछ काम नहीं होता. आई एम गोना गो टू द बुटीक, जहाँ पे मैंने बहुत सारा एक्चुअली सिलने के लिए दिया था, बहुत सारी चीज़ें. एंड मैं गांव चली गई थी, 1 month पूरा मेरा यू नो वहाँ से लाई ही नहीं मैं. 15 August को लाना था, बट इट्स ऑलरेडी September, तो मैं वहाँ जा रही हूँ. एंड कुछ चीज़ें मुझे देने हैं, कुछ चीज़ें लाने हैं, सो वो सब करना है. तो या
ऑलराइट यू गाइज, इट इज अबाउट 9:42 राइट नाउ. हम 9 बजे के अराउंड पहुंच गए थे एंड आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर रियल लाइफ व्लॉग्स एंड ऑल्सो ट्रैवल कॉन्टेंट. अभी नहीं आ रहा है ट्रैवल कॉन्टेंट, बट फ्यूचर में डेफिनेटली आई एम गोना पुट सम ऑसम ट्रैवल कॉन्टेंट. क्लिक द सब्सक्राइब बटन राइट हियर एंड जॉइन दिस फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम गोना सी यू सून इन माई next video. Bye.